हेलो फ्रेंड, मैं आपका अपना दोस्त अभिषेक कुमार आपके अपने रिटेन एंड टेक्निक क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा जो स्थल होते हैं उनके बारे में जानेंगे, यानी कि सबसे भारत में हमारा सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, सबसे लंबी इमारत कौन सी है और सबसे ऊँची इमारत कौन सी है और वो कहाँ स्थित है, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं भारत में सबसे बड़ा या फिर लंबा और ऊँचा हमारा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला इसमें जो है सबसे लंबा सड़क पुल हमारा कहाँ पर है, सबसे लंबा सड़क पुल हमारा कहाँ पर स्थित है। तो सबसे जो लंबा सड़क पुल है वो महात्मा गांधी ब्रिज है और जो कि हमारे पटना में स्थित है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ हम अपने स्थल को लेकर चलते हैं और एक तरफ हम उनके स्थान को लेकर चलते हैं कि कौन हमारा सबसे लंबा, ऊंचा और बड़ा स्थल है और वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक तरफ हम स्थान को और एक तरफ स्थल को। तो सबसे बड़ा दूसरा हमारा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है या फिर कौन सा मेला है वो। तो सोनपुर का मेला है और जो कि हमारे बिहार में लगता है। तो सबसे पहला जो था सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा था, वो हमारा महात्मा गांधी ब्रिज था जो कि पटना में स्थित है। इसके बाद दूसरा था हमारा सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है, सोनपुर में लगता है जो कि बिहार में पड़ता है हमारा। दूसरा सबसे ऊंची मीनार कौन सी है और कहाँ है पर है। तो सबसे ऊंची जो मीनार है वो हमारी कुतुब मीनार है और जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा सबसे बड़ी झील स्थल है, सबसे बड़ी झील अगला स्थल है हमारा सबसे बड़ी झील कहाँ पर है। तो सबसे बड़ी झील जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर में है जिसे बुलेट झील के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्थल है हमारा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहाँ पर है। तो सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है वो हमारा भागड़ा बांध है जो कि पंजाब में स्थित है। अगला स्थल है हमारा सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है और कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो हमारा थार का रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में स्थित है। थार का रेगिस्तान है जो कि हमारा राजस्थान में स्थित है। तो अगला स्थल समझते हैं, अगला स्थल सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ पर है। सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है वो हमारा कहाँ पर स्थित है, एलोरा में स्थित है जिसे हम लोग कैलाश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो हमारा सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। अगला स्थल है हमारा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है और वो कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो हमारा जुलोजिकल गार्डन है और जो कि कोलकाता में स्थित है। अगला है हमारा स्थल सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है और उसका नाम क्या है। तो सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में स्थित है। और अगला स्थल है हमारा सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। अगला स्थल है सबसे लंबी सुरंग जो कि सड़क के थ्रू होकर निकली हुई है, जो है कहाँ स्थित है और क्या नाम है इसका। इसका नाम है जवाहर सुरंग, जिसकी लंबाई की बात करें अगर हम तो 2.85 किलोमीटर लंबी है और जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। अगला स्थल है हमारा सबसे लंबी सुरंग जो कि रेलवे क्रॉसिंग से होकर निकलती है, तो उसका नाम है पीर पंजाल और उसकी जो लंबाई है वो है 11.215 किलोमीटर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला स्थल है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और वो
कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला स्थल समझते हैं। अगला स्थल है सबसे अधिक वनों का राज्य। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वन होते हैं? तो उस राज्य का नाम है हमारा मध्य प्रदेश, जहाँ पर सबसे अधिक वन उस राज्य में होते हैं। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है और वो कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा कॉरिडोर की बात करें तो वो हमारा रामेश्वर मंदिर सबसे बड़ा कॉरिडोर है, और जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। अगला समझते हैं। अगला हमारा स्थल कौन सा है? अगला स्थल है सबसे ऊंचा झरना कौन सा है और कहां पर है? सबसे ऊंचा झरना की बात करें तो सबसे ऊंचे झरना का नाम है जोग या गढ़सोप्पा, जो कि हमारा कर्नाटक में स्थित है। तो सबसे ऊंचा झरना हमारा जोग या गढ़सोप्पा है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला स्थल है सबसे लंबी सड़क कौन सी है, जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला स्थल है सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है और सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। इसके बाद हमारा अगला स्थल है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है हमारी गंगा नदी। अगला स्थल है सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ का सबसे बड़ा अजायब घर है? तो इसका जो आंसर है वो हमारा कोलकाता का अजायब घर सबसे बड़ा अजायब घर है। सबसे बड़ा गुंबज, अगर हम गुंबज की बात करें तो सबसे बड़ा गुंबज कहाँ पर है और उसका क्या नाम है? तो सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज, उसका नाम है, और जो कि हमारा बीजापुर में स्थित है। अगला स्थल है सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है और वो कहाँ पर है? तो गोमतेश्वर की सबसे ऊंची मूर्ति है गोमतेश्वर मूर्ति का नाम है वो सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि हमारी कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला समझते हैं। अगला है सर्वाधिक वर्षा का स्थान। अगला स्थान है हमारा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है जो कि है मासिनराम, जो कि कहाँ पड़ता है? जो कि हमारा मेघालय में पड़ता है। तो मासिनराम हमारा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला समझते हैं। सबसे बड़ा लीवर पुल कहाँ है और उसका नाम क्या है? तो हावड़ा ब्रिज जो है वो सबसे बड़ा लीवर पुल है, और जो कि हमारा कोलकाता में पड़ता है। अगर हम सबसे लंबी नहर की बात करें तो सबसे लंबी नहर कौन सी है और वो कहाँ है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है, और जो कि हमारी राजस्थान में पड़ती है। और इसके बाद अगला है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अगर हम सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारा जो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि और हमारा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, हमारे ही राज्य में पड़ता है। और इसकी जो अगर हम लंबाई की बात करें कितने क्षेत्र में फैला हुआ, तो ये हमारा 1.3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला हम बात करें स्टेडियम, सबसे विशाल स्टेडियम जो है वो हमारा युवा भारती स्टेडियम जो है वो सबसे बड़ा स्टेडियम है, और इसे हम लोग साल्ट केक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, साल्ट केक के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा कहाँ स्थित है? जो कि हमारा कोलकाता में स्थित है। और अगला देखते हैं, अगला है सबसे अधिक आबादी वाला शहर, यानी ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है? तो ऐसा शहर जो है हमारा वो मुंबई है, और आप सभी लोग जानते होंगे कि मुंबई हमारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर हमारा मुंबई है, और जो कि हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला अगर हम बात करें सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो इसका भी हमारा महाराष्ट्र ही
सबसे शहरी क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक है, अगला और क्वेश्चन है सबसे लंबा रेल मार्ग। अगर हम सबसे लंबे रेल मार्ग की बात करें तो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो हमारा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी का जो रेलवे मार्ग है या रेल मार्ग है वो सबसे लंबा रेल मार्ग है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से हमारा कन्याकुमारी का जो रेल मार्ग है वो सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो ये हमारा आज का वीडियो का लास्ट पॉइंट था। तो आज की जो वीडियो है आप सभी लोगों को आई होगी और आज की जो वीडियो थी बहुत ही नॉलेजेबल थी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोग कैसे लगी है। ओके, थैंक यू।